पापा उठ जाना गाइस, कैसे हो आप लोग? क्या हाल है आप लोगों के? इनकी रैंडम व्लॉग शुरू करवा दिया मैंने। मुझे नहीं पता था ये व्लॉग बना रहा। क्या बोल रहा है? कैसे तो व्लॉग कैसे आई? नहीं नहीं, इसको तो नहीं पता था। मैं तो रैंडम, मुझे एकदम से याद आया कि चाहे पुराना व्लॉग नहीं डाला है पर नया बना लेता हूँ, जब डालूंगा इकट्ठा डाल दूंगा। बस अब तुम दोनों लड़की हो। देखो भाभी को नींद आ रही है, भाभी को भूख लग रही है और इस चक्कर में ये इससे लड़ रही है। ऐसा नहीं तो यार, देखो मैंने सुबह से व्रत रखा है, ठीक है? इसकी चूचू बंद कर दो 2 मिनट के लिए। हाँ, बस बहुत बोलता है बीच में ये। मैंने सुबह से व्रत रखा है। अच्छा, फिर उसके बाद मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे फीवर हो रहा है, मुझे कोल्ड हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ये मुझे इधर से उधर फोटो के चक्कर में घुमाई जा रही। मैंने सिर्फ इनको इतना नहीं, ये झूठ बोल रही है। तो 3 बार ही हुआ है सिर्फ ये। हाँ आगे बोलो। तो फिल्टर नहीं लगा रही भाई, नॉर्मल फोटो क्यों कीजिए? भगवान ने फिल्टर क्यों दिए? हाँ बताओ बताओ, आपका पक्ष भी सुना जाएगा भाई। इतना मेकअप 1.5 घंटा लगाया तूने, उसके बाद फिल्टर चाहिए? वो स्ट्रेटनिंग भी कर रही है ना। अरे स्ट्रेटनिंग भी तो की है, चल ठीक है। कितने मिनट लगे उसको? तो कितने मिनट लगी? देखो वैसे भी नहीं आता, फिल्टर के साथ भी नहीं आता। एदा बस सही है। 6:30 बजे का तैयार हुई है ये। कितना टाइम हुआ? 6:30 बजे तो छोड़ने है, अभी 6 बजे तैयार हुई है। मैं तो पूरा ऐसे पोज बना रहा कि शायद ये थंबनेल अच्छा लगे। ओके तो गाइस, हुण वज चुके ने 6:15 ते भाभी जी हले तक आपां कथा नहीं सुनन गए क्योंकि आंटी जी लेट हो गए थी थोड़े जे। ते तुसीं कुछ कहना चाहोगे हुण? मैं ये कहना चाहती हूं कि मम्मी को खोज जल्दी जल्दी कर ले, मैं कथा सुन के। तुम ऐसे क्लोज करके अपने नाखून दिखाना चाहोगी इन लोगों को? मुझे, मेरे को चक्कर आ रहे हैं गाइस। लुक एट द नेल एक्सटेंशन। आपको पता रीजन क्या है? मैं मेहंदी लगवाने गई थी। ये पुराने व्लॉग में बता, कितनी बार बताना है भाई, कितनी बार बताना है? और पिछला व्लॉग तो ये दोबारा दोबारा जब बनता है यार। तो गाइस आप लोग को रीजन पता ही है, और 2 बार आपको 3 बार सुनने को मिला था कि ये मेहंदी मैं अभी लगाऊंगी, ये मेहंदी मैं अभी लगाऊंगी। ये बहुत चालाकी करी मैंने तुमने, सारी बात घुमा के। ये मैंने बहुत पहले सजेशन दिया था। फोन आया, फोन बाहर है। तेरा फोन है भैया? मेरा फोन मेरे पास है, देखते किसका फोन है। हेलो आंटी जी, आप हो गए रेडी? आपको वक्त लगेगा। आंटी को चक्कर आ रहे हैं ना बहुत ज्यादा, नींद आ रही है। आंटी बहुत ज्यादा मेहनत करके आए हैं गाइस, ये सारा सामान आंटी अभी जस्ट लेके आए हैं। तो आंटी ने सुबह से, ये तो पता है पीखा तो सकते नहीं है। तो आंटी कैसा लग रहा है आपको? आपको लग रहा है कि आपको ये चीजें कल कर लेते थोड़ा सही रहता? पर कल तो आपके पास टाइम नहीं था, वो बात अलग है। तो फाइनली गाइस आंटी जी हो चुके हैं रेडी। आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं नहीं मुझे भूख लग रही है आज। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे व्रत रखने के बाद भूख लग रही है, और मुझे कभी ऐसे भूख नहीं लगती है। कितने व्रत रखे तुमने आज तक? 3 करवा चौथ में रख चुकी हूँ, ये तीसरा है मेरा। और चलो गाइस कुछ भी है, क्या गाइस उनकी आवाज बंद करी, गाना बंद करो। आज जैसे मारे गाना बंद हो गया। आज इन्होंने व्रत व्रत कुछ नहीं रखा, इन्होंने सुबह सुबह मेरे आगे बैठ के परांठे पाड़े हैं, पाड़े हैं करी के साथ, आलू के साथ। इनकी अलग ही जिंदगी है। भैया क्या कह रहे हैं? मैं इनकी लंबी व्रत के लिए, लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हूँ। इनको मेरी लंबी उम्र से कोई भाई अगर खा दिया तो गलत हो गया, ना खाते तो हाँपे साफे जैसे कोई बंदा ही नहीं है। चलो गाइस अब इनके घर में रील बना दूं, ये लोग तो चलते रहेंगे, इनकी रील नहीं बनेगी फिर, मैं बना के आया 2 मिनट रुको। अभी जी ऑलवेज रेडी, ऑलवेज नहीं ऑलमोस्ट रेडी हो चुके। कैसा लग रहा है आपको? इनको तो अलग नींद चढ़ी हुई है भाई।
गाइस इनका सामान वामान सब मतलब डन हो गया, अभी ये जाने वाले हैं कथा सुनने। 7 बज चुके हैं। और भाई कैसे हो, क्या हाल है? खुश बात बड़े, आप क्यों खुश हो बता दो सबको। भाई ने ले लिया है नया 16 प्रो मैक्स। पोज बना दो एक बढ़िया, थंबनेल में ये लगा दूंगा ये बात। तो गाइस भाभी जी ने कर लिया डन, आंटी जी ने भी कर लिया डन, ये जाने अभी कथा सुनने। ये आंटी को गजरा लगा दो तुम तब तक, फिर आंटी भूल जाएंगी। चलो गाइस भाभी रेडी करने वाले आंटी जी को, फिर हम निकलते हैं। क्या क्या नहीं करोगी, कैसे क्या गाइस देखो, एक दूजे नु कसमा चढ़ा रहे थे, वादे चढ़ा रहे थे, पर कोई किसी की मान नहीं रहा, सुन नहीं रहा, क्यों ऐसा? दिखाएंगे नहीं गाइस, अभी ये रील डलेगी, ये सुबह से बोल रखा है रील डलेगी, पता नहीं कब डलेगी। बोला था ना जाने से पहले वीडियो बना लो बनी। कब बनाओगे तुम रील? रो डालनी नहीं है, 9:30 हो गए, एक भी रील डाली, सुबह से बोल रहा हूँ बनवा लो बनवा लो। ऐसे ऐसे नहीं, यहाँ पे बनानी है रील। ये नाच रहे पीछे खड़े हो गए ना मेरे, मुझे क्या है, मेरे लिए थोड़ी डरनी मत बन। इसके बाद हम लोगों ने बनाई थी कुछ वीडियोस, कुछ भाई भाभी की बना दी, कुछ मैंने अपनी बना ली। गुरांग भाई की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो व्लॉग भी नहीं रिकॉर्ड हो पाया और हम ढंग से चीज़ें नहीं कर पाए थोड़ी सी, एंड गेट वेल सून। अब भाई ठीक हो चुके हैं वैसे। और इसके बाद हमने भाभी के साथ बहुत सारी करी मस्ती, मस्ती कैसे करी क्या करा वो सब लुधियाना में आके हुआ है, उसकी क्लिप मैंने आगे ऐड कर रखी है। व्लॉग को कंटिन्यू देखो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, अब आएगा असली मज़ा। बस यार भाई आपकी हरकत अच्छी नहीं है यार, बताओ यार दिक्कत तो आ गई। अब हमारे घर आने में आपको दिक्कत भी हो जा रही है, आपके घर आने में भेजना तो आप मारोगे उसको, मारोगे क्या भाई? ये क्या बात हो गई यार, क्या बनी है सब सब कुछ दिख गया। अच्छा ये कौन उड़ाने वाला था उसको, ये आप मुझे चेंज करो, मैं कहता हूं जाता हूं क्या है, हद होगी अगर उसको लगते नहीं तो इसका तुम सामना बन जाना था। देख रहे हो, देख रहे हो बातें अच्छी नहीं बन रही है, तो बन रही है अगर नौ बन रहा है तो पहले मैं बताऊँ सेकंड पार्ट कब आएगा, फर्स्ट पार्ट तो डलवा दिया आपने, करवा चौथ का मैंने डलवाया, मैंने डलवाया गाइस ये इंसान को मैंने 10 बार बोला भाई कुछ खाने चलते हैं, भाई कुछ खाने चलते हैं, खाने चले गए बीमार हो गए, फिर ब्लॉक आ गया, बस बस आपने बात कर रहा हूं मुझे बात कर रहा हूं मेरे सब खाने। तो भाई बात तो की मुझे पता था इंसान को चक्कर वक्कर आए रास्ते में, कौन खाए मुझे करना पड़ेगा तो मैं खा लिया। और एक बात बताओ वो मोमोज वाली बात था ना, वो गाने बंद कराओ पीछे से, ये बहुत चला है, ये चाहती नहीं हम ग्रो करें, ये चाहती नहीं कि मैं कोई भी पेमेंट आए, वैसे तो मेरी वीडियो भी चलती है भाई मेरे चैनल, आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाओ, 28 मिलियन व्यूज वाली वीडियो पड़ी है सबसे टॉप पे, 1.5 साल हो गया तो नहीं तो हैप्पी विद 28 मिलियन तो नहीं है तो क्या हो है 30 मिलियन 35 ब्रो तो ब्रो व्हाट इज द बिग डील 28 मिलियन 35 मिलियन ब्रो इसकी देखो 200 के हो गए 1 मिलियन से ऊपर कोई वीडियो नहीं जाती इसकी ए मंगोली भाई मंगल बेटा बस गाइस बस गाइस एंड फॉर टुडे कल मिलते हैं आपको, इसको मना के कल मिलते हैं आप लोगों से। मैं इनका व्लॉग बना रहा हूँ पकड़ना करो। अब इधर करो पिलो दे
पापा उठ जाना मेरे लिए प्लीज एक बार वो तकिया ला दो यार मेरे को प्लीज भाई क्या 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 हमारे फोन है तू यार 0.5 पे बनाया सारा ब्रो अच्छा दिखा मैं नहीं ये गाइस कुछ फिट नहीं कर रहा एकदम शुरू आ गया है देखना 0.5 भाई आप 2x पे भी नहीं अच्छे लग रहे सॉरी बीवी के आते ही बदल गए अभी बोलो क्या बोल रहे थे जीजा जी जैसा बोलेगा वैसा ही करूंगा अब क्या हुआ जीजा जी जो बोलेंगे अपने आप करेंगे तू सपने देख पूरे जीजा जी करेंगे जीजा जी ने स्कैम इनटू 100 कर दिया और ज्यादा जीजा जी मैं जमीन पे सो जाऊंगा जीजा जी गलत करा आपने थक गए आप देखा इनको डॉक्टर का ना एकदम दवाई खा ले कितनी दवाई खाऊं मैं नर्दी की दवाई खाऊं नहीं कौन सी दवाई खाई है दवाई तो पीने वाली थी दवाई तो पी है भाई वो तो छोड़ा है आप गर्दन आप ढंग से सोना है नहीं ये बताओ चलो गाइस आज देरी सत श्रीकाल आप किसको कुत्ते खपाई नहीं करेगा आपकी किस्मत देख रहा दो दो सराहने मिले आपको कंबल बोलो ये इन्होंने ब्लॉग खत्म किया था शुरू कर दिया रिश्ता वही सोच नहीं
तो हो जाओ रिश्ता मेरी सोच वही ही ही ये काट दूंगा सारा सब काट दूंगा ये रिश्ता वही सोच नहीं चलो गाइस सोच करो बाय।